कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं धर्मानुरागी श्री कमल कुमार, श्रीमती मंजू जी, पुत्र MBA श्री विनीत कुमार, श्रीमती चारू जी, इंजीनियर श्री विनय कुमार, श्रीमती साक्षी जी, CA सौरभ जैन, श्रीमती स्नेहा जी, चिरंजीव हार्दिक, सनाया, श्रियांशी, निष्कर्ष, तनय एवं समस्त बड़जात्या परिवार निवासी हावड़ा एवं लंदन। अनुभव बहुत ही आसान है जमीन पर मकान बना लेना, बहुत ही आसान है जमीन पर मकान बना लेना, दिल में जगह बनाने में जिंदगी गुजर जाती है। धरती के ऊपर अनेक तरह के भवनों का निर्माण किया जा सकता है, करते ही हैं आप सब, लेकिन किसी की जिंदगी में, हृदय में, दिल में जगह बनाने के लिए बहुत मशक्कत करना पड़ती है। आपके हृदय में आस्था, श्रद्धा, विश्वास कितना है औरों के प्रति, अपने प्रति, परमात्मा के प्रति? जब हमारा परमात्मा के प्रति, गुरुओं के प्रति आस्था, श्रद्धा, विश्वास बढ़ता है तो सम्यक दर्शन हो जाता है, और सम्यक दर्शन होने के साथ ही व्यक्ति का, जिंदगी का दायरा बहुत बृहद हो जाता है। प्राणी मात्र को वह बहुत ही विशाल दृष्टि से देखता है, उसकी जिंदगी में अमीर गरीब का भेद नहीं होता है, जाति संप्रदाय का भेद नहीं होता है। ऐसा इंसान ही सम्यक दृष्टि अपने जीवन को जीने का वास्तव में रास्ता प्रशस्त कर सकता है। आज भारत के वैज्ञानिक चंद्रमा तक पहुंच गए, उन्होंने चंद्रमा पर जगह ही नहीं बनाई बल्कि विश्व के लोगों के दिलों में जगह बनाई कि भारत ने चंद्रमा पर अपनी पहुंच बनाई, और यह विश्वास दिल में कितने करोड़ लोगों के बीच ठहर गया। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, इसके लिए स्नेह, प्रेम, प्रीति, सौहार्दता, दयालुता, प्रमोद, सेवा, सहिष्णुता, गंभीरता, ऋजुता आदि अनेक अनेक गुणों की आवश्यकता होती है। लंबी सफर यात्रा करने वाले व्यक्ति का कितना साहस होता है, वह कभी अपने को कमजोर महसूस नहीं करता है। मैं छोटी सी आपसे बात कहना चाहता हूँ, जिसके पास अपने परिवार के लिए समय होता है वो जिंदगी में हारी हुई बाजी भी जीत जाता है। कितना विराट आदमी है जो संसार के कामों से अपने परिवार के लिए वक्त देता है, वह जगत में कहीं जाए हारने के बाद भी वह जीत ही जाता है। हमारे अपने लोगों के लिए वक्त निकालना शुरू कीजिए। सुबह से शाम तक की जिंदगी आपका एक ही उद्देश्य रहता है, डॉलर, पैसा, लेकिन पैसा जीवन का साधन नहीं है, सुख का हेतु नहीं है। अलबत्ता साधन है, लेकिन वो साध नहीं हो सकता है। अगर पैसे से सुख होता तो व्यक्ति के पास क्या नहीं। आज विश्व के अनेक देश संपत्ति को लेकर के सर्वोत्कृष्ट पद को प्राप्त हो रहे हैं, लेकिन जिसके पास अपने परिवार के लिए समय होता है वो जिंदगी में हारी हुई बाजी भी जीत जाता है। आप भारत में रहने वाले लोग हैं और अपने लोगों के लिए आज हमारे पास समय ना हो, परदेश की तरह
तो हम सबसे कमज़ोर माने जाएंगे। महानुभाव, आप अच्छे काम करने से पहले अपने आप को निर्भय कर लीजिए। जो लोग आलोचना से डरते हैं वो ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाते हैं। छोटा सा अच्छा काम करने को आप बढ़ते हैं और आप सोचते हैं सक्सेस नहीं मिली तो लोग मखौल बनाएंगे। आपको अपने पर भरोसा होना चाहिए। कौन क्या कहता है, कौन कैसा चलता है, ये हमारा सब्जेक्ट नहीं है, उसका अपना सोच है। हमारा अपना सोच होना चाहिए कि हम अपने भीतर के आदेश को माने। शब्दों की ताकत को कम मत आंकिए, शब्दों की ताकत को कम मत आंकिए, क्योंकि छोटा सा हाँ और छोटा सा ना पूरी जिंदगी को बदल देता है। आत्मा से निकली हुई आवाज़ को आप जज़मानिए और जो आपके भीतर से पॉजिटिव सोच होती है तो हाँ निकलता है, नेगेटिव सोच होती है तो ना निकलता है। ज़िंदगी के सफ़र में अनेकों मोड़ आते हैं, ज़िंदगी के सफ़र में अनेकों मोड़ आते हैं, कुछ तोड़ जाते हैं और कुछ जोड़ जाते हैं। ज़िंदगी बहुत लंबी है, इस ज़िंदगी में कुछ ऐसे मोड़ हैं जो तोड़ जाते हैं, कुछ ऐसे मोड़ हैं जो व्यक्ति को परमात्मा के साथ जोड़ जाते हैं, अपने विश्वस्त लोगों के साथ जोड़ जाते हैं और वही व्यक्ति अपने जीवन को ऊंचाइयों की ओर ले जाने में सफल हो पाते हैं। कुछ तोड़ जाते हैं, कुछ जोड़ जाते हैं, ज़िंदगी में अनेक मोड़ होते हैं। हम ज़िंदगी की सफ़र में कभी अपने को कमज़ोर ना समझें। वक्त, मौसम और लोग सब एक जैसे ही हैं, वक्त, मौसम और लोग सब एक जैसे ही हैं। कब कौन कहाँ बदल जाए कुछ कह नहीं सकते, लेकिन हम उन लोगों में से नहीं हैं, उस मौसम वाले नहीं हैं और वैसे वक्त में जन्मे नहीं हैं। हम जो भी निर्णय करते हैं हम प्राणी मात्र के हितों के लिए निर्णय करके चलते हैं। अपना हित प्रथम साधते हैं, द्वितीय दूसरों का हित साधते हुए चलते हैं। इसलिए भगवान महावीर कहते हैं कि व्यक्ति का सोच पॉजिटिव होना चाहिए। शुद्धंतु व्यानंतु, जो शुद्ध को जानता है, शुद्ध की भावना करता है, वो शुद्धत्व को प्राप्त हो जाता है। अशुद्धमति, जो अशुद्ध को जानता है, उसका सारा का सारा सोच नीचे की ओर होता है। मेरा आपसे अनुरोध है, हृदय की गहराइयों से अपने सोच को बहुत अच्छा बनाएं, प्राणी मात्र के प्रति प्रेम का भाव जगाएं। जब महावीर ने सारी ज़िंदगी प्रेम भाव के माध्यम से दीन दुखी जीवों का हित किया, हम क्या कर सकते हैं। उन्होंने तो अपने भावों के माध्यम से कितने लोगों का भला किया, उन्होंने कहीं वक्त, कहीं मौसम और कहीं लोगों को नहीं देखा, अपने मन के मौसम को देखा है। महानुभाव, दुनिया का बेहतरीन रास्ता वही होता है, दुनिया का बेहतरीन रास्ता वही होता है जहाँ एक हल्की सी मुस्कराहट और छोटी सी माफी से जिंदगी द्वारा पहले जैसी हो जाती है। हल्की सी मुस्कराहट और छोटी सी माफी से जिंदगी द्वारा पहले जैसी हो जाती है, अर्थात दिल में गांठें लेकर के इंसान को नहीं चलना चाहिए। आज छोटी छोटी बातों को लेकर के आदमी अपना जीवन राग देश से आप्लावित कर आगे बढ़ता है और सोचता हूँ मैं एक वन नंबर का आदमी हूँ, अव्वल आदमी हूँ। वो अव्वल आदमी हो कैसे सकता है जिसके दिल में मलाल है, राग है, देश है, घृणा है, नफरत है लोगों को देख करके। वह हमेशा कैसा बाहर से हाथ मिलाता है और भीतर नफरत का गुलदस्ता लेकर के चलता है। ऐसे आदमियों से व्यक्ति का भला नहीं हो सकता है और स्वयं का भला भी नहीं हो सकता है। उसका दिल कब बदल जाए, उसका मौसम कब बदल जाए,
वो मोक्ष मार्गी नहीं हो सकता, वह तो ग्रस्त मार्ग पर चलने वाला भी एक छैल छबीला हो सकता है। लोगों से मीठी मीठी बात करके अपने जीवन को आगे बढ़ाने की बात करता है, लेकिन मैं आपसे कह देना चाहता हूँ कि कुछ पन्ने क्या फटे, जिंदगी की किताब के जमाने ने समझा हमारा दौर ही ख़त्म हो गया। एक बार शरीर का स्वास्थ्य गिर जाए तो लोग समझते जिंदगी से आदमी हट गया है, ऐसा नहीं होता है। कभी आशाता साता का उदय आता रहता है, जब साता का उदय आता है तो आदमी गुलाब की तरह महकता रहता है, और जब उसका मौसम पलट जाता है तो खुशबू धरती में विलीन हो जाती है। हमें विश्वास करके चलना चाहिए जिंदगी की परीक्षा कितनी वफादार है। जिंदगी की परीक्षा कितनी वफादार है उसका पेपर कभी लीक नहीं होता। आप हमेशा अपने पर भरोसा करने की कोशिश कीजिए। जो लोग अपने पर भरोसा करते हैं उनकी जिंदगी के बारे में आप जानते हैं कितनी विशाल होती है, कितनी विराट होती है। अरे वो कुछ लोग ऐसे होते हैं, कैसे होते हैं, फल फूल के बिना जैसे वृक्ष होता है। वो कौन होते हैं? प्रेम के बिना जिंदगी वैसी ही है जैसे वृक्ष पर फल और फूल नहीं है। आज अपने साधर्मी भाइयों को देख करके यदि आपके मन में प्रमोद भाव जागृत नहीं होता है, विश्वास जागृत नहीं होता है, तो मैं यही समझूंगा आपका जीवन वैसे वृक्ष की तरह है जिस पर कोई फल और कोई फूल नहीं होता है। ऐसे वृक्ष का आदर कौन करना चाहेगा? महानुभाव, मैं आपके जीवन की उन कीमती बातों पर फोकस करना चाहता हूँ जो हमारी अपनी है। मैं कौन हूँ इस बात का हमको अंदाज होना चाहिए। जो बाहर से दिख रहा हूँ वो आदमी नहीं हूँ। आचार्य वादीप सिंह महाराज बहुत हृदय की गहराइयों से कहते हैं कि हमें अपने को जानने की कोशिश करना कि मैं कौन हूँ। मैं अरस हूँ, अरूप हूँ, अगंध हूँ, चेतना दर्शन ज्ञानवान हूँ। हमें मौसम की तरह नहीं बदलना चाहिए। जिंदगी के सफ़र में अनेकों मोड़ आते हैं, कुछ तोड़ जाते हैं और कुछ जोड़ जाते हैं। इसलिए महानुभाव, लोग फूंक मारकर दिए को बुझा सकते हैं, फूंक मारकर लोग दिए को बुझा सकते हैं पर अगरबत्ती को नहीं, क्योंकि जो महकता है उसे कौन बुझा सकता है, और जो जलता है वह खुद बुझ जाता है। आप अगरबत्ती की तरह महकिए, कोई बुझा नहीं सकता है, लेकिन जो राग द्वेष की बट्टी में जलता रहता है वो आदमी स्वयं जल जाता है। मनुष्य की मलिन मानसिकता, नेगेटिविटी उसके जीवन में विकास नहीं ला सकती है, चाहे उसके पास कितना भी धन संपत्ति भवन क्यों ना हो, लेकिन वह बहुत छोटा आदमी है। इतना छोटा जैसे अर्कतूल हवा आते ही उड़ जाता है, वैसे उस आदमी की हैसियत है कि वो धरती पर ठहर नहीं सकता है। ठहरने के लिए थोड़ा वजन चाहिए, प्रेम चाहिए, प्रीति चाहिए, उत्साह चाहिए, आनंद चाहिए। जहाँ कुछ आनंद होता है, जहाँ कुछ मधुर स्वाद होता है, वहीं आके मधुमक्खी बैठती है। गंदगी पर तो कौन बैठेगा? गंदगी पर वही बैठेगा जिसका मन पाप से मलिमस हो। मधुमक्खी तो सुगंधित पुष्पों के पराग पर ही बैठती है। आप मधुमक्खी की तरह, मैं काटने वाली बात नहीं कह रहा हूँ, मधुमक्खी के एक्चुअल नेचर की बात कह रहा हूँ, वह सुगंध भोजी होती है भौरे की तरह। वैसे ही आपको अपनी जिंदगी श्रेष्ठ बनाना है तो भौरे की तरह मधुर सुगंध को, पराग को लेकर के
हर पल चलने की आदत बढ़ाएं बनाएं। मनुष्य का मन पापों से भर जाता है दूसरे के गलत आचरण को देखकर। जब आप जन्मे थे तब आपका मन बालक की तरह बहुत निर्मल था, जैसे जैसे आपका ज्ञान का विकास होता गया वैसे वैसे मन में राग द्वेष काम क्रोध लोभ बढ़ता ही जा रहा है। आप सोचते मेरी उम्र हाइट बढ़ रही है, लेकिन आपका प्रमोशन नहीं आपका डिमोशन होता चला जा रहा है। वो बालक कितना अच्छा है जो सबको प्रिय लगता है। इसलिए मैंने आपसे कहा बहुत ही आसान है जमीन पर मकान बना लेना, दिल में जगह बनाने में जिंदगी गुजर जाती है। दूसरे के दिलों में बसने के लिए सारी जिंदगी गुजर जाती है, तो आपको बहुत अच्छे से अच्छे काम करने होते हैं। दूसरों की सेवा, मन में मधुरता, जिंदगी में कोमलता, सत्य व्यवहार और समय के रहते हुए इच्छाओं को रोककर तपस्या, ब्रह्म स्वरूप आत्मा में लीन होना, वस्तुओं की उपेक्षा करना। जब आपको ये सब कुछ आ जाएगा फिर आप धरती पर खिलते हुए गुलाब की तरह अपनी सुगंध अपनी महक को छोड़ने वाले होंगे। किसी गुरु अथवा परमात्मा के आशीर्वाद से आप में खुशबू नहीं आ सकती है। जब कभी खुशबू आएगी तो आपके अपने गुणों के कारण आएगी। चाइना के फूल में कितनी भी भारत के लोग खुशबू डालना चाहें आर्टिफिशियल तो डाल नहीं सकते, चाइना के फूल हैं ये, भारत के फूल असली फूल नहीं है। असली फूल जन्म लेने के साथ ही संस्कारों को लेकर के उत्पन्न होते हैं। एक तीर्थंकर पैदा होता है, एक बनता है, एक बनाया जाता है। जो बनाया जाता है ओपल नाव की तरह होता है, उस पर बैठने वाला आदमी डूबी जाता है। और जो बनाया जाता है गांव में कहते उपले गाय का गोबर, उसको फैला के दीवार में चिपका दीजिए गिर जाएगा कुछ समय में, लेकिन तीर्थंकर वो हैसियत है जो कभी और कहीं नहीं गिरते हैं। उन्होंने अपनी जिंदगी को बहुत ही गहराई से देखा जाना और इसलिए अनेक जन्मों के बाद वो तीर्थंकर जैसे पद को उपलब्ध हुए हैं। हम सोचते कि तीर्थंकर आज ही बन जाएं तो शोहरत से नहीं, पैसे से नहीं, वाक् चातुरता से भी नहीं, अपने पुराने कर्मों के विसर्जन निर्जरा के कारण ही तीर्थंकर हो सकते हैं। तीर्थंकर होने के लिए आपको बहुत ही परिश्रम करना होगा। जिस किसी को मजाक में आप तीर्थंकर की उपमा दे देते हैं आज के संसारी लोगों को, ये तो मिथ्यात का उदय है। तीर्थंकर 24 ही होते हैं, 25 नहीं हो सकते, 23 भी नहीं हो सकते। किसी आदमी की स्तुति करें प्रशंसा करें लेकिन विवेक से तो करें। आज कोई तीर्थंकर नहीं हो सकता है। कुछ लोग यहां ऐसे हैं जो इंसान नहीं भगवान नहीं, पर सच पूछो उन जैसे इंसान नहीं। कुछ लोग यहां ऐसे हैं जो इंसान नहीं भगवान नहीं, पर सच पूछो तुम जैसे इंसान नहीं। ऐसे लोगों में तो करुणा आ सकती है, लेकिन तीर्थंकर समझ करके आप इस युग के आदमी का उच्चारण करते हैं तो आपका व्यक्तिगत व्यामोह है, ये स्तुति भी नहीं मानी जाएगी। अगर गुलाब है तो गुलाब के गुणों का गुणानुवाद कीजिए, और गुलाब में अगर खुशबू ही नहीं है तो किसकी प्रशंसा कर रहे हो। ये तो केवल आप बटरिंग कर रहे हैं अपना औदा बढ़ाने के लिए। मैं जानता हूं स्तुति किसे कहते हैं। किसी पुरुष के अल्प गुणों को बढ़ा चढ़ाकर गाना, इसका नाम स्तुति है, पर गुण तो होना चाहिए ना। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे धर्मानुरागी श्री कमल कुमार श्रीमती मंजू जी, पुत्र MBA श्री विनीत कुमार श्रीमती चारू जी, इंजीनियर श्री विनय कुमार श्रीमती साक्षी जी, CA सौरभ जैन श्रीमती स्नेहा जी, चिरंजीव हार्दिक, सनाया श्रियांशी, निष्कर्ष तनय एवं समस्त बड़जात्या परिवार निवासी हावड़ा एवं लंदन।